नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस का शेयर, जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा। जो भी बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, या कोई बंदा न्यू इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप बजाज फाइनेंस के से रिलेटेड तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आपको ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल का अपडेट देना चाहते हैं आपके साथ। हमने एक वीडियो शेयर किया था चंबल फर्टिलाइज़र और अमर राजा बैटरी से रिलेटेड। आपको कंप्लीट एनालिसिस दो स्टॉक देखने को मिले थे, और आप इस वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको इन स्टॉक में क्या करना चाहिए। और उससे पहले हमने TCS के ऊपर भी आपको एक व्यू दिया था, और उसमें भी आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिला था। तो इन दोनों वीडियो पर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर इन्फोसिस के, तो इन्फोसिस के अंदर भी आप इस वीडियो पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और आगे अगर आपने विप्रो वगैरह में इन्वेस्ट करके रखा है और उसमें बोनस से रिलेटेड जो खबर है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 दिन पहले आपको मिल चुका है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम बजाज फाइनेंस के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे। तो इसमें आपको देखने को मिला होगा कि आज बजाज फाइनेंस का शेयर आपको 1708 रुपये पर क्लोजिंग हो देता हुआ दिखाई दिया, और जिसमें आपको 1.36% की यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसके ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे, तो ट्रेडिंग रेंज में भी आपको यहाँ पे 6733 का इसने हाई लगाया था, और लो इसने 6612 का लगाया था। और अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करेंगे, तो 52 वीक हाई में आपको 7830 का लगाया था, और लो आपको 6187 का लगाया। तो यहाँ पे अब हम बजाज फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट में हमें सबसे पहले इसका देखना होगा कि आपको यहाँ से इस शेयर ने रैली कहाँ से स्टार्ट की थी अपनी। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के आपको देखने को मिलेगा कि आपको अगस्त के मंथ में आपको यहाँ से इसने 6440 का अपना लो लगाया था, और इसके बाद इसने कंटिन्यू यहाँ पे आपको रैली देखने को मिली। और जहाँ से इसने कहाँ पे तक रैली दी आपको, जहाँ इस लेवल तक, यानी कि 7800 के लेवल तक, 7840 के आसपास इसने अपना हाई लगाया, टॉप लगाया, 52 वीक हाई, और यहाँ से इसने उसके बाद आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग में आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर थोड़ा टाइम शेयर ने अपना टाइम स्पेंड किया, यानी कि 7240 बार, और यहाँ से इसके बाद सीधा ये यहाँ पर इस लेवल पर आकर आपको 6908 के लेवल पर आकर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ से इस मार्केट के करेक्शन के बाद आपको यहाँ से नीचे इसने फिर से एक अपना तीसरा, जो कि इसका मेन सपोर्ट जो ना है 6440 का, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और अब सपोर्ट लेने के बाद आप अब यहाँ से अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इस बजाज फाइनेंस के शेयर में आपको क्या करना चाहिए, तो बजाज फाइनेंस के शेयर में टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आप यहां पर डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस है जो, वो स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगाना होगा। कौन से लेवल पर, यहां पर इस लेवल पर आपको यहां पे, यानी कि अगर आप इस बजाज फाइनेंस के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसमें आपको यहां पे 6100 के 80 के आसपास आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ से आपको क्या करना है डेफिनेटली, और सबसे पहला आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि इन्वेस्टर के लिए 6180 का स्टॉप लॉस है। और यहाँ से आपको बाई करना है, बाई करते रहना है, और आपको 1 ईयर के टारगेट आपको यहाँ से, इसके 1 ईयर के टारगेट आपको 9000 तक के आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, 1 ईयर ड्यूरिंग पीरियड में। और अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करेंगे, तो शॉर्ट टर्म टारगेट में आपको यहाँ पे सबसे पहला टारगेट आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 6908 का, और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है 7240 का। तो ये टारगेट आपको शॉर्ट टर्म पोजिशनल बाइंग के लिए आप 6440 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करिए। जिसको आपको, जिस बंदे को इस इतना रिस्क नहीं लेना है, तो वो आप यहाँ पे इस जगह पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकता है, यहाँ से इस जगह पर, यानी कि आपको 6610 का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आपको पोजिशनल जो स्विंग बाइंग करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपको पहला टारगेट आपको 6908 का, दूसरा टारगेट 7240 का,
तो ये आपको आने वाले टाइम में अचीव हो सकते हैं, यानी कि 20 से 25 दिन में अगर मार्केट अपने यहाँ पे डिप नहीं दिखाता है। अगर आप बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाकर चलेंगे, जैसे जैसे मार्केट आपको डिप दिखाएगा तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से 5 से 8% का स्विंग ट्रेड मिल सकता है 6 मंथ के अंदर, यानी कि 3 स्विंग ट्रेड मिल सकते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस के अंदर, और यहाँ से आपको 20% का रिटर्न आप 6 मंथ के अंदर जनरेट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। और यहाँ पे अगर हम इसमें कुछ ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको कुछ टारगेट भी दिए गए, वो भी है इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए चलते हैं, ब्रोकरेज द्वारा आपको इस बजाज फाइनेंस के शेयर में कैसी अपनी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पे अगर हम बजाज फाइनेंस के अंदर ब्रोकरेज फर्म द्वारा देखेंगे तो ब्रोकरेज फर्म में आपको यहाँ पे 28 एनालिस्ट द्वारा आपको रेटिंग दी गई है, जिसमें आपको बाई की रेटिंग दी है और सेल की रेटिंग यहाँ पे आपको 0 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ब्रोकरेज ने कितने कितने टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेर खान की तरफ से भी आपको इसमें दिया गया है टारगेट, जो कि आपको 25 नवंबर को रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, जिसमें आपको 9500 के टारगेट दिए गए हैं कि आपको ये स्टॉक 1 ईयर के अंदर 9500 के टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे सकता है, और जिसमें आपको 41% की रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और अगर हम आगे बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी आपको 25 नवंबर के अंदर ही यहाँ पर अपनी रिपोर्ट निकल कर सामने है, जिसमें इसने 7320 के टारगेट दिए हैं और जिसमें आपको 9.17% का आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और अगर आगे देखेंगे तो HDFC सिक्योरिटी द्वारा भी आपको यहां पे 22 अक्टूबर को टारगेट दिया गया था, जिसमें आपको बोला गया था आपको 8600 के टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है बजाज फाइनेंस का शेयर, जिसमें आपको 28% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर हम आगे MK ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे तो इन्होंने भी अपने 4 अक्टूबर को ही बाई रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें आपको 9300 के टारगेट देखने को मिले थे। तो ओवरऑल अगर हम सभी ब्रोकरेज फर्म की टारगेट की बात करेंगे तो एवरेज ब्रोकरेज फर्म द्वारा टारगेट आपको 8456 के निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें 26% की आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अगर आपको लार्ज कैप कंपनी का बजाज फाइनेंस जैसा शेयर आपको 26% की रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, तो आपको जिस लेवल पर आप मिल रहा है अभी तक बजाज फाइनेंस का शेयर, यहाँ से आपको 6600 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे अब आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चलना चाहिए बजाज फाइनेंस के अंदर, और बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और यहाँ से आप लगभग 1 ईयर के अंदर यहाँ से 38 से 40% के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।